इनकम की बात नहीं करूंगा खर्चा कितना हो जाता है इतनी बड़ी टीम को पूरा करने में अगर मोटा मोटा हिसाब किताब कुछ बहुत होता <बहुत> है <laughs> मतलब ओके okay, मतलब आई डोंट थिंक हम वी शुड शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट इट बट सारे ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में मंथली वन सी आर एक्सपेंस हो जाता है राइट नजिकेट इज सेफ टू से

सेवेंटीन इज वैन वी एक्चुअली स्टार्टेड ऑन वर्किंग थिंग्स मतलब हम साथ में आ, दिमाग लगाना काम करना स्टार्ट किया साथ दो तो हज़ार सत्रह से कितना साल हो गया अभी चौबीस में बैठे हम लोग राइट साथ आए, साथ हाँ लाइक like, तो रणवीर का हमेशा ये एटीट्यूड रहा है कि सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ वॉट एवर ही ऑलवेज मेड री इन्वेस्टेड वही एटीट्यूड आज भी है ओके okay. और वो करना पड़ता है, तभी आ, तो है। और रेवेन्यू और प्रॉफिट होता है ना ये भी लग, लगता, लगेगा, को, या लगता होगा कि अरे यार क्या पागल लोग है मतलब इतना कमाते हैं इतना खर्चा ही कर देते है बट हम सौ साल के लिए कर रहे न, इसलिए, करना पड़ता है अच्छा विजन साल में गायब नहीं होना बड़ा विजन सबसे बड़ा विजन क्या है जितने ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे जितना ज़्यादा गिव बैक कर पाएंगे सोसाइटी के लिए अब तो मेरा और रणवीर बहुत हम दोनों का गोल ये है कि यार हाउ कैन वी गिव बैक टू सोसाइटी तो यार सिंपल कहानी है तुम दे तभी सकोगे जब तुम्हारे पास होगा तो उसके लिए मेहनत करके कमाना पड़ेगा और हम कमाने का लिमिट तोड़ फोड़ करना चाहते हैं सिंपल वी विल वी विल हम हमसे जितना हो पाएगा हम लोग मेहनत करेंगे तोड़ फोड़ करेंगे और एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर मी एंड फॉर रणवीर ऑल्सो एंड ऑफ एंड ऑफ आवर वर्क जब भी हम लोग सोचेंगे कि ओके अब बस हो गया जो भी हो गया वी बोथ आर ऑफ़ दैट काइंड ऑफ मेटालिटी की शायद हो सकता है कि नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ वॉट एवर मनी वी विल हैवी विल गिव बैक टू सोसाइटी बट वी वॉन्ट टू कलेक्ट दैट फर्स्ट एंड वाइल वी आर डूइंग वी आर गिविंग वॉट एवर वी कैन सो बट बट वही है कि मतलब आज आप सुनते हो ना कि मान लो बिल गेट्स फाउंडेशन है उन्होंने हंड्रेड मिलियन डॉलर दिया या हमारे देश के इतने सारे लोग हैं मतलब बहुत सारे गुजरात के बिजनेसमैन हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं वो लोग बहुत परोपकार करते हैं यार बहुत ज़्यादा फिलौन दबा के करते हैं और कभी बात भी नहीं करते उसके बारे में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नितिन कामत निखिल कामत को देखिए डब्ल्यू बन उन्होंने जो बनाया है यार वो कितना ज़्यादा कर रहे हैं हर्षिल भाई हमारे हर शबैंक के जो लेवल में को फाउंडर्स हैं हमारे साथ यार वो कितना परोपकार करते हैं आपको पता है उनका एक ऑफिस उनका एक फाउंडेशन टीम का मेंबर हमको मिलने आया था बिकॉज हम सिस्टर कंपनीज है तो हमने बोला कि यार आप लोग क्या कर रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग साथ में कर सकते हैं क्या ऐसा है देखने के लिए तो हमको पता चला यार हमको लग रहा था कि हम अच्छा कर रहे हैं वो तो हमसे दस गुना आ गए अच्छा और, और, और उन्होंने मतलब फिर बताया कि यदि कम पड़ता है तो अपनी जेब से डाल देते तो हम भी इंस्पायर हुए अभी हमने भी वो करना स्टार्ट किया है फिर कुछ होता है ना और जब फाउंडेशन बोलता है कि अरे अभी अगले महीने करेंगे बजट नहीं है तो मैं ताओ में आके बोलता हूँ हाँ मैं मैं कर देता हूँ फिर नजीकत मेरे को रोकता है वृष्टि मेरे को रोकती है बोलती है अरे मतलब तुम्हारे पास दस हज़ार बदला चाहिए कि नहीं बदला जाए <laughs> तो वैसा है बट बट दिस हाउ इट इज़ यू नो अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीज़ों को समझो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल